अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से हर कोई स्तब्ध है। पुलिस के अनुसार उनके अनुयायियों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें फंदे से उतारा। मौके पर एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें महंत ने अपने शिष्य आनंद गिरी की प्रताड़ना से परेशान होने की बात कही है। गौर करने वाली बात यह है कि नरेंद्र गिरी की मौत को आनंद गिरी ने हत्या करार दिया है। इस बीच उनकी संपत्ति का मुद्दा भी उठने लगा है। पुलिस के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में अपनी वसीयत भी लिखी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि मठ और आश्रम को लेकर आगे क्या करना है, किस तरह से व्यवस्था होगी। एक तरह से सुसाइड नोट में उनका वसीयत नामा है, जिसमें विस्तार से लिखा है कि किसे क्या देना है और किसके साथ क्या करना है। जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। उनका शव फांसी पर लटका मिला था। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा कि उनकी मौत कैसे हुई। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है। आईजी रेंज केपी सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट को उन्होंने वसीयतनामा की तरह लिखा है, इसमें शिष्य आनंद गिरी का भी जिक्र है। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में किस शिष्य को क्या देना है, कितना देना है, इन सब का जिक्र भी किया है। सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि वो अपने कुछ शिष्यों के व्यवहार से बहुत ही आहत और दुखी हैं और इसलिए वह सुसाइड कर रहे हैं। पहली नजर में सुसाइड का ही मामला समझ में आ रहा था, हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम से मौत की वजह साफ होगी। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मठ को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मठ के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मठ पर बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु भी पहुंच गए हैं। अनुयायी और श्रद्धालु इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। उधर शिष्य आनंद गिरी ने इस घटना को कत्ल करार दिया है और कहा है कि यह बड़ी साजिश है। उन्हें प्रताड़ित कर मरने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें मेरा नाम सुसाइड नोट में लिखने के लिए भी मजबूर किया गया। उन्होंने कहा, मैंने तो माफी मांग ली थी और गुरुजी ने माफ भी कर दिया था। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैंने खुद गुरुजी की हत्या की आशंका जाहिर की थी। आनंद गिरी ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी को एक भूमाफिया को इस साजिश के पीछे बताते हुए जांच कराने की बात कही है। बता दें कि निरंजनी अखाड़े से निष्कासित योग गुरु आनंद गिरी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के विवादों के बीच मठ मंदिरों की जमीनों को लेकर भी घमासान काफी सुर्खियों में रहा। स्वामी आनंद गिरी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र भेजकर अखाड़े के विवाद की जानकारी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शहर के कीड़गंज में स्थित गोपाल मंदिर भी आधा बेच दिया गया है। मठ और मंदिर की बेची गई जमीनों के करोड़ों रुपए के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।